हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बोन। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे बोन। बोन टोटल 206 बोन है। 206 बोन के बारे में पता करेंगे, कितनी बोन, कौन सी बोन कहाँ है, और बोन के अंदर कौन कौन सी बोन काम आती है, बोन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम बोन के बारे में पता करें। तो बोन एक कनेक्ट टिश्यू का पार्ट है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक है मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है बोन, जो आज का हमारा टॉपिक है, और सेकंड है हमारा कार्टिलेज। और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है बोन, ब्लड एंड लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में बात कर, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं बॉडी में चेक पोस्ट ऑफ बॉडी, और गोल्जी बॉडी को कहते हैं पोस्टमैन ऑफ द आरबीसी, पोस्टमैन ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी सेल के अंदर गोल्जी बॉडी होते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टमैन ऑफ द सेल। और लिम्फेटिक सिस्टम को कहते हैं चेक पोस्ट ऑफ द बॉडी। आज का हमारा टॉपिक है बोन। ठीक है, बोन के अंदर बात करें तो बोन के अंदर थ्री टाइप्स की सेल मेन यूज होती है। सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट ये है बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल। ओस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रक्शन सेल। और एक होती है ओस्टियोसाइट, ये है मैच्योर बोन सेल। ठीक है, बोन अलग अलग टाइप्स की होती है, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन और सिसेमर्ड बोन, इरेगुलर बोन। ठीक है, मेनली ये ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट को बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, ओस्टियोब्लास्ट को बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल, और ओस्टियोसाइट को बोलते हैं मैच्योर बोन सेल। ये हमारी बोन। ठीक है, जो बाहर की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। बाहर की जो लेयर होती है पेरिओस्टियम, इसके बीच में जो पाए जाते हैं ये हमारे ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। और जब इनका लेवल इरेगुलर हो जाए इसको बोलते हैं पिकेट डिजीज। उसके अंदर पिगेट डिजीज के अंदर ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट का जो फॉर्मेशन होता है या डिस्ट्रक्शन जो होता है ओस्टियोक्लास्ट का, वो इररेगुलर हो जाता है, उसको सब हो जाती है हमारे पिगेट डिजीज। तो नॉर्मली पेरिओस्टियम लेयर के अंदर ये होती है ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, जो बीच का जो पार्ट होता है इसका मेडुला होता है, ये मेडुला। ठीक है, इस जो मेडुला की ये लाइन है, ये बीच में जो पार्ट होता है इसमें होता है हमारे ओस्टियोसाइट, इसको बोन मैच्योर बोन सेल कहते हैं। ठीक है, और जो बीच का ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, और इसको अगर तीन पार्ट में डिवाइड करें बोन को, तो ऊपर वाला भाग कहलाता है एपिफाइसिस, दोनों भाग एपिफाइसिस, क्योंकि यहां पर
आर्टिकुलेशन होता है, ये बोन आगे किसी बोन से जुड़ेगी, ये भी वर्ड जो जिस पार्ट से जुड़ता है उस पार्ट का ये कहते हैं हम एपिफाइसिस। 20 वाला होता है डाइफाइसिस, डाइफाइसिस, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, बीच वाला डाइफाइसिस, जहां एपिफाइसिस और डाइफाइसिस आपस में मिलते हैं उस बोल उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। और यह जो प्लेट होती है उसको कहते हैं एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट, ठीक है, जहां ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, ठीक है। जो ये बीच में डाइफाइसिस का जो पार्ट है यहां तो बनता है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, और जो ये पार्ट होता है एपिफाइसिस की तरफ इसमें बोलता है ये रेड बोन मैरो। ठीक है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो फॉर्मेशन करता है तीन का, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसी का अगर नॉर्मल लेवल देखे 4-5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का होता है 4000 से लेके 10,000 सेल पर क्यूबिक एमएम। थ्रोम्बोसाइट का होता है 1.5 से लेके 4 लाख पर क्यूबिक एमएम। ये करती है रेड बोन मैरो, और येलो बोन मैरो करती है हमारे फैट का स्टोर करती है, ठीक है। अगर लॉन्ग बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाए तो ये जो येलो बोन मैरो ये ब्लड के अंदर आ जाएगा, और फैट ब्लड के अंदर आने से एयर एम्बोलिज्म हो जाता है, और एयर एम्बोलिज्म के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर फंक्शन देखे अगर हम बोन के, तो सबसे पहला ये बोन है हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, फंक्शन, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और ये कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस आदि का स्टोरेज भी करती है। और ये देख लिया हमें सेल यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन की अंदर इसके अंदर होता है हेवेस्टियन कैनाल, जो बोन मैरो होती है उसके अंदर होता है हेवेस्टियन कैनाल और वॉल्कमैन कैनाल, कैनाल पाई जाती है यहां पर, ठीक है। मेडुलम ये होता है हेवेस्टियन कैनाल, हेवेस्टियन कैनाल होती है, और इसको जो जोड़ती है उसको बोलते हैं वॉल्कमैन कैनाल। हेवेस्टियन कैनाल और वॉल्कमैन कैनाल, हेवेस्टियन कैनाल ये स्ट्रक्चर बनाया रिंग लाइक, ठीक है, और इसको जोड़ने का काम करती है वो है वॉल्कमैन कैनाल। हेवेस्टियन कैनाल के अंदर बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्टोरेज का स्ट्रक्चर का काम करती है, कैल्शियम और फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म या इसका स्टोरेज का स्टोरेज करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोरेज करके रखती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को सिंथेसिस करती है और फैट को स्टोर करती है, और मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। अब हम इनके बारे में पता करेंगे कि कितने टाइप की होती है, तो मोस्टली ये दो टाइप्स की होती है, एक है एक्सियल एक्सियल और एक है हमारा अपेंडी, एक है हमारा एक्सियल और एक है हमारा अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर थ्री पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट,
एक तो है स्कल, ठीक है, दूसरा है वर्टिबल कॉलम, एक है स्कल, एक है वर्टिबल कॉलम और एक है थोरेसिक केस। स्कल, वर्टिबल कॉलम और थोरेसिक केस, टोटल बोन होती है हमारे 206, 206। एक्सियल के अंदर आती है 80 और अपेंडिकुलर के अंदर आती है 120। अब स्कल में अगर बात करें हम, ठीक है, तो स्कल के अंदर सबसे पहला आता है हमारा हेड, ईरोसाइकल या ऑडिटरी ओसाइकल, यह आती है हायर्ड और फेस। हायर्ड एक होती है, ईयर ओसिकल थ्री, इनकस मेलियस स्टेपीज जो, और इनकस सबसे पहले आती है मेलियस। मेलियस का शेप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, यानी हैमर की तरह, हैमर की तरह, और ये एविल की तरह, घोड़े की नाल की तरह होती है इनकस। इनकस का शेप कुछ इस टाइप से होता है, घोड़े की नाल की तरह, ठीक है, और एक स्टिप, स्टिपीज, ठीक है। थ्री बोन होती है, टू टू, दो दो दो, टेन, टोटल सिक्स बोन, थ्री इसमें, थ्री इस ईयर के अंदर, टोटल सिक्स बोन हो गई हमारी ऑडिटरी ओसाइकल या फिर ईयर ओसाइकल, ठीक है। अब हाइविड बोन, हाइविड बोन एक होती है, अगर फेस की बात करें, ठीक है, ये हो गई हमारी सुंदर सुंदर आंखें, ठीक है, और ये है हमारा नेजल नोज, और ये हमारे लिप्स, प्यारे लिप्स, ठीक है। अब फेस की बात करें, यहां होती है लैक्रिमल बोन, तो फर्स्ट है हमारी लैक्रिमल बोन, जिसमें होती है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। यहां होते हैं जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन, इसको चिक बोन भी कहते हैं, ठीक है। फेशियल बोन टोटल होती है 14। अब टोटल काउंटिंग कर देंगे, लैक्रिमल बोन दो, जाइगोमेटिक दो, यहां होती है मैक्सिला, मैक्सिलरी बोन दो, एक और दो, ठीक है। ये है मैंडिबल, नीचे वाला पार्ट, मैंडिबल है एक, ये एक, ये दो, ये दो। अंदर की तरफ होते हैं पैलेट, ऊपर सॉफ्ट और हार्ड, यानी पैलेटाइन, पैलेटाइन बोन दो हो गए, ठीक है। अब आता है नोज की, तो सबसे ऊपर होता है, इसके अंदर होता है इंफीरियर कॉन्के, इंफीरियर, इंफीरियर कॉन्के दो, आता है नेजल बोन, ऊपर वाले नेजल बोन, तो दो नेजल बोन, एक होता है वमर, एक, ये टोटल टू 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 वन वन, ये टोटल हो गए 14 बोन, यानी फेस की 14 बोन टोटल, हाइड एक, ईयर ओसाइकल टोटल 6 हो गई, ठीक है। अब आती हेड की, हेड के अंदर टोटल बोन होती है 8, और कहां होती है ये हम देख लेते हैं अभी, ठीक है।
ये हेड, तो आगे की तरफ बोन होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल, ऊपर की जो बोन है एक इधर एक इधर, ये टोटल है दो बोन, दो फ्रंटल दो पैरिटल, एक होती है ऑक्सीपिटल और दो होती है टेम्पोरल, और इसके पीछे होती है वो होती है एथेमॉइड और स्पिनॉइड। ये होगी 14 बोन टोटल, ठीक है। अब हम करते हैं हेड की, तो हेड में फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल, ठीक है, और इसके नीचे होती है जो स्पिनॉइड एथेमॉइड और स्पिनॉइड बोन, ठीक है। फ्रंटल बोन टोटल एक, पैरिटल दो, टेम्पोरल दो, ऑक्सीपिटल एक, एथेमॉइड एक और स्पिनॉइड एक, 2 3 4 5 6 7 8, इन टोटल ये 8 बोन हो गई, ठीक है। तो हेड की कितनी होगी 8 और ये होगी हाइड एक, और फेस की कितनी होगी 14, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन होती है, ठीक है। टोटल वर्टिब्रा पूछे, टोटल वर्टिब्रा होती है 33, लेकिन वर्टिब्रल बोन ये होती है 26। थोरेसिक केस के अंदर होते 12 पेयर, ठीक है, 12 पेयर, तो रिप्स होती है, रिप्स के 12 पेयर यानी 24 बोन, 12 पेयर होते हैं, 12 और 12 टोटल हो गए हमारे 24 बोन, और एक होती है स्टर्नम जिसको ब्रिस्ट बोन भी कहते हैं, टोटल हो गए 25। ये टोटल हमारे काउंट होते हैं एक्सिल बोन के होते हैं 80। अब आते हैं हम अपर्टिकुलर एक्सिल में, पहले देख लो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज, तीन पार्ट में डिवाइड है। स्कल के अंदर हेड की होगी 8 बोन और ऑडिटरी ओसाइकल या ईयर ओसाइकल ये हो गई 6 बोन, हायोइड 1, फेस 14 और थोरेसिक की 24 हो जाती है, रिप्स की और स्टर्नम की 1, टोटल हो जाती है 25 यानी एक्सियल। अब आता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर के, अपेंडिकुलर की अगर पार्ट की हम बात करें, ठीक है, तो 3 पार्ट कर सकते हैं हम, एक तो लिम्ब, एक पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। ये है, ये टोटल हो जाती है हमारे, वो थी 80 और ये हमारे 126 यानी 126 बोन, ठीक है, अपेंडिकुलर की। लिम्ब के अंदर बात करें हम, तो लिम्ब के अंदर होते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल यानी श्रोणि मेखला और अंश मेखला यानी क्लेविकल और स्केपुला बोन, ठीक है, तो क्लेविकल, क्लेविकल और स्केपुला, टू क्लेविकल और टू स्केपुला। पेल्विक गर्डल को बोलते हैं हिप बोन या इननोमिनेट बोन, इननोमिनेट, इननोमिनेट बोन, इसमें होती है 2, ठीक है। अगर पेल्विक गर्डल और पेल्विक बोन की बात की जाए तो इसके अंदर 2 इननोमिनेट बोन हो जाएगी और एक स्टर्नम और कॉक्सिक्स, सैक्रम और कॉक्सिक्स, सैक्रम और
टोटल हो जाती है ये हिप बोन, ठीक है। यानी पेल्विक बोन की बात की जाए, पेल्विक गर्डल की नहीं, पेल्विक बोन, तो पेल्विक बोन के अंदर दो थ्री बोन आ जाती है, एक आ जाती है दो इंडोमिनेट बोन, एक सैक्रम और एक कॉकिक्स, ठीक है। तो टोटल चार बोन हो गई, थ्री टाइप्स की बोन। अगर पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल के अंदर दो बोन आ जाती है, जिसको बोलते हैं हिप बोन या इंडोमिनेट बोन। तो दो पेल्विक गर्डल की बोन और चार पेक्टोरल गर्डल की, ठीक है। चार और दो छह। अब ये इसमें आती है 30 बोन तो अपर लिम्ब की और 30 आती है लोअर लिम्ब की। अब कौन कौन सी, अपर लिम्ब की बात करें, ह्यूमरस, ये वाले बोन ह्यूमरस, तो एक इसकी और एक इसकी दो। अब आती है रेडियस, रेडियल और अल्ना, ठीक है। रेडियस जो थंब की तरफ होती है वो होती है रेडियस, और दूसरी होती है अल्ना। तो रेडियस भी दो और अल्ना भी दो। अब आती है कार्पल, कार्पल आती है ये स्फिनॉइड, एथेमॉइड, ये एट टाइप्स, एट बोन होती है कार्पल की। उसके बाद आता है मेटाकार्पल। कार्पल का मतलब सी लुक्स टू पीटी, सी लुक्स टू पीटी ट्राई टू कैच हर। हैमर बोन आती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, अलग अलग टाइप्स की एट बोन होती है, ठीक है। मेटाकार्पल होती है फाइव और फेलेंजेस, फेलेंजेस होती है 14। एंड टोटल 14 बोन फेलेंजेस की, एट मेटाकार्पल, एट कार्पल, टू अल्ना, टू रेडियल, टू रेडियस और दो हो जाती है हमारी ह्यूमरस। तो टोटल है हमारी 16 बोन। अब आता है लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब के अंदर आती है, सबसे पहले आती है फीमर, फीमर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये आती है हमारा थाई बोन, थाई बोन, फीमर और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ इन द बॉडी, दो हो गई फीमर। अब आती है हमारा पटेला, दो पटेला, ठीक है। ये कार्पल एट बोन है, लेकिन इसमें आ जाती है टार्सल, टार्सल सेवन, ठीक है। सेवन सेवन 14 हो गए, तो दो घट गए, इसमें एट एट 16, तो दो है, तो इसमें दो पटेला ज्वाइन हो गए। बाद में आ जाती है फीमर के बाद में पटेला, पटेला के बाद में आता है हमारे टीबिया एंड फिबुला, टीबिया दो और फिबुला दो। उसके बाद आता है टार्सल, फीमर दो, पटेला दो, टार्सल सेवन, टीबिया दो और फिबुला दो, टार्सल आ जाती है हमारे सेवन, ये लिख दिया हमने। तो मेटा टार्सल, मेटा टार्सल, मेटा टार्सल आ जाती है हमारे एट, ठीक है। और फेलेंजेस, फेलेंजेस हो जाती है हमारे 14। इन दो ह्यूमरस, दो फीमर, दो पटेला, सेवन टार्सल बोन, टीबिया दो और फिबुला दो, मेटा टार्सल फाइव और फेलेंजेस 14। इन टोटल लोअर लिम्ब के अंदर 16 बोन, अपर लिम्ब के अंदर 16 बोन, पेल्विक गर्डल के अंदर 4 बोन और पेल्विक पेक्टोरल गर्डल के अंदर 4 बोन और पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन, क्लेविकल और स्केपुलर टोटल 4 6, ये टोटल हो गए 120। इस प्रकार हमारे हो जाती है टोटल बोन 206, ठीक है। अभी हम बोन के बारे में, बोन के अंदर 3 सेल्स, बोन क्या है, वेस्कुलर मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बोन के अंदर 3 सेल होगी, ओस्टियोसाइट बोन, मैच्योर बोन सेल, ओस्टियोब्लास्ट
बोन फॉर्मिंग सेल और ऑस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रक्टिंग बोन सेल. ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की अगर जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो या अनकंट्रोल डिस्ट्रक्शन हो तो उसको बोलते हैं पेगेट डिजीज. दो टाइप्स के हो गए, एक्सियल और अपेंडिकुलर. एक्सियल के अंदर आ जाती है हमारे 18 बोन और इसमें आ जाती है हमारे 1. एक्सियल के अंदर आ जाती है 18 और इसमें आ जाती है हमारे 1. ठीक है, एक्सियल के अंदर हमारे फेस है, वर्टिब्रल कॉलम्स है. इस प्रकार हमारे टोटल बोन आ जाती है हमारे 206. थैंक यू वेरी मच फॉर टू सी.